नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के NH 28 4 लेन पर रघुनाथपुर के गांव के पास सुबह 9:30 बजे के करीब हादसा हुआ। देवरिया के नरारपुर बंजरिया के ड्रीम डिफेंस सोनिया एकेडमी की बस 55 बच्चों और शिक्षिकाओं को लेकर गोरखपुर पिकनिक पर आ रही थी। बच्चों को गोरखनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही तारामंडल रामगढ़ ताल और नौका विहार जाना था। सुबह 9:30 बजे जब बस खोराबार थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास NH 28 4 लेन पर पहुंची तो साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में खाई में पलट गई। घटना में साइकिल सवार खोराबार थाना क्षेत्र के बजरीला खाली टोला के रहने वाले तिलकधारी पुत्र महिपाल की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन बच्चे भी घायल हो गए। वही बस चालक देवरिया का रहने वाला 35 वर्षीय धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण व स्थानीय लोगों ने बस से बच्चों को बाहर निकाला। क्या जानकारी मिली? ये रामनगर करजा चौकी के पास भैंसा पेट्रोल पंप जो सामने दिख रहा है उसके सामने आज प्रातः 10 बजे देवरिया से तारामंडल बच्चों को पिकनिक खिलाने के लिए एक बस में टोटल 62 बच्चे सवार थे। उस बस के ड्राइवर ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस को टर्न लिया सडन और उसकी वजह से बस पलट गई है। उसमें साइकिल सवार जिसको बचाने का प्रयास किया वो साइकिल सवार की डेथ हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल पहुँचाया गया है एवं बाकी बच्चों को भी प्राइमरी चेकअप के लिए एक बार CHC स्कूल बस से ले जाया जा रहा है। सर, ड्राइवर की भी बताई जा रही है कि चोट लगी है ड्राइवर? ड्राइवर को भी हल्की फुल्की चोट आई है। उन सभी को CHC पहुंचाया जा रहा है ताकि एक बार सभी का प्राथमिक उपचार है किया जा सके। सर, ये स्कूल बस आ रहा था ये कसिया की तरफ से और ये गोरखपुर चिड़ियाघर की तरफ ले जा रहे थे लोग। अचानक कोई साइकिल को बचाने के चक्कर में ये नेशनल हाईवे से गाड़ी सीधे नीचे पलट गई है। किसकी मौत हुई है? किसी की मौत हुई है? अब ये कि यही लोकल के हैं वो राजू बजडीला के साइकिल सवार थे राजू बजडीला खलवा टोला के, उनकी डेथ हो गई है। कितने बच्चे घायल हैं? लगभग 2-3 बच्चे हैं जो चोट लगा है एम्बुलेंस से। लोगों का कहना है कि दर्जन से ऊपर बच्चे हैं घायल। नहीं, फिलहाल तो बाकी बच्चे ठीक हैं सर, लेकिन 2-3 बच्चे हैं ऐसे तो जिनको लेके गया एम्बुलेंस लेके गया अस्पताल। वही बच्चे टूर के लिए निकले थे तो वहाँ पे उनके साइकिल वाले आ गए जिनको ड्राइवर बचाते हुए लेकर के बस को पलट चुके हैं। ये बस कहाँ से आ रही थी, कौन सी स्कूल की है? ये बस आ रही है तरकुलवा ब्लॉक से, देवरिया जिला से, और ये मतलब कि आ रही है वहीं से आ रही है। सर, कौन स्कूल है? स्कूल का नाम ड्रीम डिफेंस सोनिया एकेडमी है। सर, कितने बच्चे घायल हैं? बच्चे घायल मतलब दो घायल हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चे बहुत चाहिए जानकारी मिलती है। ये 112 पे सूचना मिली थी कि एक स्कूली बस है जो कि गोरखपुर की तरफ जा रही थी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे तो वो पलट गई है। जहाँ मैं यहाँ मौके पर पहुँचा तो मौके पर देखने में पता चला कि एक साइकिल सवार था, उसको बचाने के चक्कर में जो स्कूल बस थी वो नीचे खाई में गिर गई थी जिसमें लगभग 55 बच्चे सवार थे। बच्चे तो सभी सुरक्षित हैं, साइकिल सवार और जो बस का ड्राइवर था वो ज़्यादा घायल है। बच्चे भी घायल हुए? हाँ, 3-4 बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी थी जिन्हें कि हॉस्पिटल भेज दिया गया, बाकी बच्चे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जो हॉस्पिटल गए हैं वो भी, उनके हल्की चोट लगी हुई वो भी सेफ है।